डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेज, कि पादप वायरसों का ट्रांसमिशन कैसे होता है, किन किन वे से होता है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे कि पादप वायरसेज का ट्रांसमिशन होता है। पादप वायरसेज का ट्रांसमिशन एक पादप से दूसरे पादप पर या एक जीव से या जगह से दूसरे पादप पर जो संचरण है वो कई तरीके से हो सकता है, जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मैकेनिकल थ्रो सैप, सीड, पॉलन, टोडर एंड स्पेसिफिक निमेट इंसेक्ट्स, माइट्स, निमेटोड्स एंड फंजाई। इस प्रकार प्लांट वायरसेज का जो संचरण है वो मुख्य रूप से वेजिटेट प्रोपेगेशन, यांत्रिक की थ्रो, बीज, पराग कणों, टोडर जो कि कस्कुटा की स्पीसीज है, कस्कुटा स्पीसीज हैं, एंड वेक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, मैट्स, निमेटोड्स एंड फंजाई। इनके द्वारा प्लांट वायरसेज एक इन्फेक्टेड जगह से एक हेल्दी पादप पर पहुंच सकता है और उसको इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे कि हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार आज हम जो इस क्लास में अध्ययन करेंगे उनमें है ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज के जो तरीके हैं, उनमें नंबर एक है वाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और ग्राफ्ट ट्रांसमिशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन के जो टेक्निक है उसके थ्रू अगर वायरसेज एक हेल्दी प्लांट में जाता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट वायरसेज ट्रांसमिशन कहते हैं, इसको ग्राफ्ट ट्रांसमिशन भी कहते हैं और सिस्टमेटिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इस ट्रांसमिशन में अगर अपन एक हेल्दी प्लांट पर इन्फेक्टेड प्लांट को रोपित कर देंगे तो नेचुरली है कि वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी वायरस प्रोजेनी में आ सकता है, जिसको कि सिस्टमेटिक ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। सेकंड है मैकेनिकली ट्रांसमिशन थ्रू सैप। इसके अंतर्गत जो भी अपन खेती में अपने श्रमिक या अपन जो वर्कर्स काम करते हैं उनके थ्रू या उन जो खेती में जो श्रमिक टूल्स काम में जो औजार काम में रख लेते हैं खेती करने के लिए, जैसे जो भी अपने नाइफ ब्लेड्स हैं या फावड़ा, कुल्हाड़ी, जो भी अपना खुरपी जो भी काम में लेते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, वायरस इन्फेक्टेड हैं और किसी हेल्दी प्लांट के टच में आएंगे तो उसमें भी वायरस ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर एक हेल्दी प्लांट के टच में इन्फेक्टेड प्लांट आता है और अगर उस हवा के तेज झोंकों से उसमें रविंग होती है और उस जगह पर बाउंस हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ भी एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में वायरस जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई प्लांट में रूट्स में या स्टेम्स में, लीव्स में कोई घाव हो गया है, कोई बाउंड हो गया है, कोई कट लग गया है, तो वहाँ भी वायरसेज के संक्रमण की या ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो दूसरा मीडियम है अपना, नंबर एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या ग्राफ्ट ट्रांसमिशन, जिसको सिस्टमेटिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं, इसके द्वारा वायरस जा सकता है। दूसरा है मैकेनिकली ट्रांसमिशन।
जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं कि कल्चर प्रैक्टिसेज या जो टूल्स कल्चर जो खेती के लिए काम लेते हैं वो अगर इन्फेक्टेड हैं तो हेल्दी प्लांट्स में वायरसेज जा सकता है। नंबर नेक्स्ट है सीड ट्रांसमिशन। सीड ट्रांसमिशन में अगर सीड आपका पहले से ही वायरस इन्फेक्टेड है तो उससे भी क्या है कि प्रोजेनी में वायरस जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए अपन को सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम खेती करें तो जो सीड्स बाज़ार से लाएं उनको या तो वो पहले से ही सीड ट्रीटमेंट हो, नहीं तो अपने घर पर उनका सीड़ों का बीजों का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, केमिकली ट्रीटमेंट या फिजिकली ट्रीटमेंट। जो वायरसेज हैं वो सीड्स के थ्रू इट इज बिलीव्ड दैट मोर देन 100 वायरसेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, जो कि दो तरीके से जा सकते हैं सीड्स के थ्रू भी। नंबर एक, अगर वायरस पार्टिकल्स आर अटैच टू द सरफेस ऑफ अदर सीड्स, अगर जो वायरस है वो सीड की सतह पर या सरफेस पर अटैच है, लगा हुआ है, तो ड्यूरिंग स जर्मिनेशन, तो जो बीज जर्मिनेशन करेगा अंकुरित होगा तो उस टाइम पर सीडलिंग्स में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई वायरस माना कि कोई सीड पे अटैच है और जब सीड ग्रो करेगा या जर्मिनेट करेगा तो जहाँ से सीडलिंग्स निकलेगा तो सीडलिंग्स में जो सीड सतह पर सरफेस पे जो वायरस लगा हुआ है इन्फेक्टेड है कर सकता है वो सीडलिंग्स को। इस प्रकार नंबर फर्स्ट सीड्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट इंटरनल सीड ट्रांसमिशन, इसमें वायरसेज इंटर द रिप्रोडक्टिवी ऑर्गन्स इन सम फेज ऑफ द जेनरेटिव प्रोसेस। अगर वायरस रिप्रोडक्टिव सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक चला जाता है तो नेचुरली वो जेनरेटिव प्रोसेस में आ जाता है और प्रोजेनी को इन्फेक्ट करने का इन्फेक्ट कर देगा या इन्फेक्शन करने का चांसेज बढ़ जाएगा। जैसे टोबैगो रिंग स्पॉट वायरसेज हैं इज ट्रांसमिटेड बाई वीन सीड्स वट नॉट बाई टोबैको सीड्स। जो टोबैको रिंग स्पॉट वायरस है ये वीन सीड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है टोबैको में और नॉट बाई टोबैको सीड्स। मतलब टोबैको रिंग स्पॉट वायरस है जो कि बीन सीड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट पोलन ट्रांसमिशन, पोलन परागों द्वारा भी एक वायरस, जैसे पोलन्स काफ़ी पोलन्स होते हैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जहाँ वो फर्टिलाइज करते हैं दूसरे प्लांट को तो वहाँ भी ट्रांसमिशन का चांसेस बढ़ जाते हैं वायरस ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट है फंगल या फंगस ट्रांसमिशन। कुछ वायरस फंगस के थ्रू भी ट्रांसमिट होते हैं, जैसे ऑल्फिडियम फंगस है उसके द्वारा टोबैको नेक्रोसिस वायरस का संचरण होता है। इसी श्रेणी में या क्रम में पॉलीमिक्सा वायरस फंगस के थ्रू भी वायरस जाते हैं। बात यह है कि जैसे ऑल्फिडियम पॉलीमिक्सा या स्पोंगोस्पोरा ये वायरसेज हैं, ये फंगस हैं जो वायरसेज के ट्रांसमिशन में अपना रोल अदा करते हैं। इस प्रकार वायरसेज के थ्रू भी वायरसेज का ट्रांसमिशन हो सकता है। वेक्टर, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मीडियम है वायरसेज ट्रांसमिशन के लिए। मोस्ट वायरसेज आर ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट्स विच बिलोंग्स टू द होमोप्टेरा ग्रुप में जो भी अपने वेक्टर्स आते हैं या इंसेक्ट्स आते हैं
वो मेनली वायरसेज के ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर्स का काम करते हैं, जैसे एम्फिड्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं, प्लांट हॉपर्स हैं, वेट फ्लाइज हैं, माइट्स हैं, वेटल्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, वक्स हैं, ट्रिप्स हैं, ये सारे वेक्टर्स के रूप में काम में आते हुए एक वायरस को दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य कर सकते हैं। अगर इनसे टच होके हेल्दी प्लांट पर, अगर ये किसी इन्फेक्ट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट पर जब अपना भोजन लेंगे या उस पर बैठेंगे, तो इनसे टच होके जब वायरस टच होगा और अटैच होके जब दूसरे हेल्दी वायरस प्लांट पर पहुंच जाएंगे, ये बैठेंगे, तो वहाँ वायरसेज का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार जो वेक्टर्स हैं, ये कीट पतंग हैं, ये मुख्य रूप से वायरसेज के ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे माइट्स के द्वारा पीएसपी फिजियन पी स्टेरिलिटी वायरस का ट्रांसमिशन होता है, विटल्स के द्वारा पोटैटो एक्स वायरस और ट्रांसमिशन वाई विटल्स, ग्रास हॉपर्स के द्वारा टर्निप क्रिंकर वायरस का ट्रांसमिशन होता है। जब इस बात को अपन जानते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं, जो बाहक होते हैं, वो अगर इन्फेक्टेड प्लांट पर बैठेंगे या वहाँ अपना आवास बनाएंगे या उसको अपने फूड के लिए यूज में लेंगे, और जब ये किसी हेल्दी प्लांट पर बैठेंगे और उसको भी अपने फूड या उसको जब ये टच करेंगे या उसको घाव पहुँचाएँगे या उसको कहेंगे, तो इजीली है कि वहाँ पे वायरसेज के पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है। निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स भी वायरस जो कि सॉइल सरफेस के नीचे जितने भी वायरसेज पाए जाते हैं उनके लिए निमेटोड्स जो कि रूट्स के थ्रू वायरसेज का संचरण करते हैं। इसमें टू ग्रुप्स ऑफ वायरसेज आर ट्रांसमिटेड बाय सॉइल, दीज आर नेपो वायरसेज एंड टॉवर वायरसेज। मतलब दो ग्रुप के वायरसेज हैं जो इसे नेपो वायरसेज एंड टॉवर वायरसेज, इनका ट्रांसमिशन निमेटोड्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है टोडर ट्रांसमिशन, टोडर कस्कुटा स्पीसीज जो अमरवेल्स बोलते हैं अपन को, और पैरासिटिक प्लांट जो कि परजीवी प्लांट होता है, हम सब जानते हैं दूसरे सजीव प्लांट्सों पर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है, और ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। जब ये इनके हेल्दी प्लांट्स पर जब ये ग्रो करते हैं या अपना जीवन चलाते हैं, तो अपने होस्टोरिया या पैग लाइक अपेंडिजेज जो इनमें निकलते हैं, वो दूसरे प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम तक, बंडल्स तक पहुंच जाते हैं, और ये होस्ट प्लांट के वैस्कुलर बंडल्स तक वायरसेज का ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे SCV सुगर वीट कली टॉप वायरस है, उसका संचरण कस्कुटा स्पीसीज द्वारा होता है, TMB का भी होता है, TVSP टोमेटो वसी टोबेको वसी स्टंट वायरस का संचरण है, वो अमरवेल या कस्कुटा की स्पीसीज द्वारा होता है, इनको टोटल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये बड़ा टिपिकल टाइप का ट्रांसमिशन है। इसके थ्रू जिन वायरस का ट्रांसमिशन होता है वो किन्हीं अन्य माध्यमों के द्वारा नहीं हो सकता है, ये वेरी इंटरनली ट्रांसमिशन है जो कि वैस्कुलर बंडल्स तक वायरसेज को पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि इसके होस्टोरिया होते हैं, वो दूसरे होस्ट प्लांट के वैस्कुलर बंडल्स तक पहुंचकर अपनी सप्लाई लेते हैं, तो ये वायरसेज को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये वेरा इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन है। तो आज के लेक्चर में आप यही पढ़ेंगे कि पायरोसिस्ट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ आज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।